लेकिन भरत जी महाराज जैसे पहुँचे हैं सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवीरपुर सब निहराने। भरत जी महाराज श्रृंगवीरपुर पहुँच गए, लेकिन महाराज श्रृंगवीरपुर में रहते हैं भगवान के परमदास परम मित्र निषाद राज। निषाद राज ने जब सुना कि भरत अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के आया है, क्या कारण होगा, क्या बात है, समाचार सब सुने निषादा। जब ये समाचार सुने लेकिन हृदय विचार कर सविषादा, हृदय में विचार किया कहीं ऐसा नहीं भरत अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के राम जी को वन में अकेला जान करके मारने आया है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसी भरत की माता केकई ने हमारे राम प्रभु को वनवास दिया, हो सकता है। जब माँ ऐसी हो सकती है तो बेटा क्यों नहीं, माँ की जैसा बेटा हो सकता है। हम भरत को जीवित नहीं छोड़ेंगे। निषाद राज ने अपने सभी योद्धाओं को एकत्रित किया और कहा तैयार हो जाओ, समय आ गया है, एक एक करके हम भरत के सभी चतुरंगी सेनाओं को मार देंगे, एक एक करके सबको मार देंगे और भरत को हम जीते जी गंगा पार नहीं होने देंगे। भरत को क्या लगा कि राम जी वन में अकेले हैं, अकेले का फायदा उठाऊं और राम जी को वन में मार करके मैं निष्कंटक राज्य करूं अयोध्या का। अरे भरत को नहीं पता राम जी के लिए हम अपने प्राण भी देने को तैयार हैं, हमारे होते हुए राम जी का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो हम भक्तों को धिक्कार है, एक बार नहीं हजारों बार धिक्कार है। निषाद राज ने कहा कि भरत श्रृंगवीरपुर आया है, मार दो भरत को, आज्ञा दी है, तैयार हो जाओ। निषाद राज जब जाने लगे भरत जी को मारने के लिए तो महाराज यहाँ पर भीड़ में एक बूढ़े बाबा खड़े हुए थे। बुजुर्ग बाबा ने कहा ठहरो महाराज, कहाँ जा रहे हो, भरत जी को मारने का मन में जो तुमने संकल्प लिया ये गलत है। मेरा मन मेरा हृदय कह रहा है महाराज कि भरत जी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। भरत जी राम को मारने नहीं आ रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। उसी समय उस बाबा को छींक हुई, इतना कहत छींक भई वाहे, छींक हुई और कहने लगे देखा महाराज आपके जाने के समय मुझे छींक आई है और वो भी है। तुम जो करने जा रहे हो ये गलत है, मैं जो कहूंगा वो सही है, एक काम करो ना महाराज। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत मिली न होई रारी, राम जी को मारने नहीं भरत जी राम को मनाने बन आ रहे हैं, ऐसा मेरा मन कह रहा है। एक काम कीजिए ना, आप पहले भरत के भेद को जानो कि भरत का भेद मित्रता का है या शत्रुता का। और हाँ, यदि तुमने जाते ही भरत को मार दिया और यदि तुम्हें बाद में पता चला कि मैंने भरत को गलत समझा, क्या तुम भरत को जीवित कर पाओगे। इसलिए महाराज पहले भरत के भेद को जान लो, शत्रुता का भेद है या मित्रता का, अच्छा रहेगा। यदि तुम्हें शत्रुता का भेद दिखा तो प्रहार कर देना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। निषाद राज ने बूढ़े बाबा के चरण पकड़ लिए, बोले बाबा आज यदि आप ना होते मुझे ना रोकते तो अनर्थ हो जाता, सच बता रहा हूं। इसलिए महाराज घर में बड़ों का आदेश, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, बड़ों के कहे अनुसार चलना, आपको कभी भी पछतावा नहीं पड़ेगा, आप कभी पछताएंगे नहीं। लेकिन महाराज घर में कौन बड़े बूढ़ों की सुने, घर में तो चलती नहीं बहू की, चलती है कि नहीं, कौन कौन चलाता है हाथ खड़ा करना। तो अच्छा इतना बता दो कि हम जो कह रहे हैं वो सही है,
कि आजकल तो घर में नई बहू की चलती है, ये बात सही है तो हाथ खड़ा करके बताओ ना, हाथ खड़ा करो तो ताली बजा दो। हाँ, इसका मतलब तुम सब अपनी अपनी चलाती हो घर में, तभी तो ताली बजा रहे हो, वरना ताली नहीं बजाते आप। कहते हैं कि आप जानते हैं महाभारत क्यों हुआ? सबको पता होगा महाभारत किसने करवाया, क्यों हुआ? द्रौपदी का चीरहरण किसने करवाया? युधिष्ठिर के पास जो भी था, पांचों पांडवों के पास जो भी जितना भी था, किसने हराया? किसने? मामा शकुनी ने। और मामा शकुनी कौन है? हस्तनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साले साहब, यानी दुर्योधन के मामा श्री। कहते हैं कि घर बिगाड़े सारो और दीवाल बिगाड़े आरो। घर में यदि नई बहू की साले जी की चली ना महाराज, तो वो घर घर नहीं रहेगा। यदि दीवाल में आप कईयों अलमारियां निकाल दोगे तो वो दीवाल मजबूत नहीं, वो दीवाल कमजोर रहेगी। ज्यादा अलमारी निकालोगे तो कमजोरी होगी कि नहीं, पता नहीं कब दरार आ जाए। इसलिए महाराज घर में जितना हो सके, घर में हमसे सबसे बड़े दादाजी होते हैं, दादाजी की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि बुजुर्गों की सलाह कभी हमें, यदि हम सलाह लेकर के काम करेंगे तो हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। निषादराज ने दोनों चरण पकड़ लिए, बोले बाबा यही गलती मुझसे हो गई, कान पकड़ता हूँ मैं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप जैसे बुजुर्गों की राय नहीं ली। आप ठीक कह रहे हैं, मैं पहले भेद जानूंगा। निषाद राज गए, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, इधर भरत जी महाराज सुमंत जी से कहने लगे कि सुमंत जी क्या आप जानते हैं निषाद राज कहां रहते हैं? मैंने सुना है कि राम जी उन्हें अपना मित्र मानते हैं। जब वो राम भैया को अपना मित्र मानते हैं, राम भैया उन्हें अपना सखा मानते हैं, तो वो निषाद राज मेरे लिए राम भैया के समान है, मुझे दर्शन करना चाहिए, कहां है उन्हें बुलाइए। सिर्फ इतना कहा ही था महाराज, निषाद राज आए, दूर से भरत जी को देख रहे हैं। भरत जी को देखा, भरत जी महाराज निषाद राज को देख रहे हैं। सुमंत जी से कहा, सुमंत क्या यही निषाद राज है? बोले हाँ राजकुमार, यही निषाद राज है। निषाद राज राम भरत जी के चरणों में प्रणाम करने जाते, उससे पहले भरत जी आए महाराज, भरत जी आए और निषाद राज के चरणों में गिर पड़े। मुझे मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखे। निषाद राज भरत जी को देखा तो निषाद राज की आंखें भर आई, हे भगवान मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया, यदि बाबा बीच में ना आते तो आज मेरे हाथों से सच में अनर्थ हो जाता। भरत जी महाराज कहने लगे, हे निषाद राज, राम भैया आपको अपना मित्र मानते, इसलिए आप भी मेरे लिए राम भैया के समान हैं। निषाद राज ने भरत को गले लगाया, कहने लगे, हे भरत जी ऐसा लगा है जैसे श्री राम प्रभु ने मुझे अपने गले लगाया, आनंद में मग्न है। भरत जी महाराज कहने लगे, निषाद राज अच्छा होता कि तुम मुझे मार देते, यदि तुम मुझे मार देते तो मैं अपना ये कलंकी चेहरा लेकर के राम भैया के सामने ना जाता। पता नहीं राम भैया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसी समय कहने लगे, नहीं नहीं भरत ऐसा मत सोचिए, राम जी आपके बारे में कभी कुछ गलत कहा ही नहीं, सारी रात और आप ही की बातें करते रहे। भरत जी ने कहा, अच्छा निषाद राज एक बात बताओ, भगवान यहाँ एक दिन रुके रात्रि भर विश्राम किया? बोले हाँ। सूखी सूखी घास देख रहे हो? इसी सूखी घास पर श्री राम मां जानकी रात्रि भर दोनों ने विश्राम किया, हमारा दिया हुआ भोजन भगवान नहीं लिए, बन के कंद मूल फल खा करके भगवान प्रातः काल हुए गंगा का जल पिया और यहाँ से प्रस्थान कर गए। सुनकर के भरत जी की आंखें भर आई, अपनी भुजा उठा करके कहा कि ये भरत प्रतिज्ञा करता है, जब तक राम भैया के दर्शन मुझे नहीं हो जाते ये भरत
अन्न का एक दाना भी अपने मुख में नहीं डालेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बोलिए भरत जी महाराज की। भरत जी महाराज चल दिए हैं, निषाद राज उनको साथ लेकर के चल दिए, साथ में जाकर के प्रयागराज का दर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया है। भरत जी महाराज कहने लगे कि हे भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं ये भरत तो केवल और केवल अपने भैया के चरणों का राजा बन करके रहना चाहता है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। और तन धर्म न काम रुचि, हे भगवान मुझे नहीं राज्य चाहिए, नहीं अर्थ चाहिए, नहीं काम चाहिए। भगवान ऐसा राज्य क्या काम का जो भैया से ही दूर करा दे, भैया से वियोग करा दे, मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। कई बातें थी जो भरत जी ने प्रयागराज के चरणों में बोली। आशीर्वाद मिला है प्रयागराज का भरत जी को, सबने दर्शन करके भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे और भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंच करके भरद्वाज मुनि के दर्शन किया, पता पूछा कि हे भगवान आपको तो पता होगा, आपको तो पता होगा कि राम भैया इस समय कहां विराजमान हैं। याज्ञवल्क्य महाराज मुनि कहते हैं कि भरद्वाज, भरत जी जब राम जी को ढूंढने, राम जी को मनाने बना रहे थे, तो हर एक मनुष्य से, हर एक व्यक्ति से भगवान का पता पूछा है भरत जी ने। एक लकड़हारा लकड़ी लेकर के जा रहा था,